नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। खबर है शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर के ढाई घाट मेले पर प्रशासन की रोक के बाद भी कार्तिक मेला ढाई घाट के मुख्य पर्व पर कार्तिक पूर्णिमा की सुबह होते ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं के हवन पूजा अर्चना कर मुंडन आदि कन्याओं को भोजन भी करवाया। वहीं आपको बता दें कि जिला पंचायत प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेले में पेयजल, प्रकाश, सफाई और सुरक्षित गंगा जल के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग के साथ ही 10 गोताखोरों की व्यवस्था की। वहीं गोताखोरों के नाम सातर, आयुष, शकील, साजिद, फिरोज, रियाजुद्दीन, समीर, शेरदीन, शराफत, समी। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस भी मेले में पहुँच गई। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने प्रसाद की दुकानें लगवाने के लिए छूट दे दी थी। मेले में श्रद्धालुओं के रात्रि विश्राम के लिए टेंट आदि लगाने पर रोक लगाए हुए थे। इसी वर्ष प्रशासन ने मेले के आयोजन पर रोक लगा। बुधवार को पुलिस ने मेले में लगी दुकानों को उठवा कर मेला परिसर खाली करवा दिया था। श्रद्धालुओं को गंगा स्नान की अनुमति है। वहीं जिला पंचायत के मेला अधिकारी अभियंता सुरेश सिंह यादव, मेला बाबू उधर कुमार द्विवेदी, सहायक स्वराज सिंह शंकर, शंकरपुर गुप्ता, महेंद्र कुमार के साथ मेले में प्रकाश, पेयजल, घाटों पर बैरिकेडिंग और साफ सफाई कराई गई। वहीं मेला अधिकारी ने बताया कि मेले में पेयजल के लिए फिलहाल 22 हैंडपंप लगाए जा चुके हैं। वहीं घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था हो चुकी है। थाना प्रभारी मान बहादुर सिंह का कहना है कि श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के लिए ही नहीं रोका जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं के लिए वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था मेले के पूर्वी हिस्से में मैदान में कराई गई। वहीं सुरक्षा के लिए जलालाबाद ढाई घाट पर टीम रात दिन गश्त कर रही थी। देखिए इंडिया 24 लाइव टीवी के लिए सोनू शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में सोनू शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24/7। मैं यहां पे मौजूद हूं ढाई घाट मेला में। इस समय यहाँ पे हम कुछ हमारे साथ मौजूद हैं भैया गोताखोर लोग, जिनसे हम कुछ बात करेंगे, आए इनसे वार्तालाप करेंगे, पूछेंगे। सुबह से अभी तक भी यहाँ पे कोई भी घटना तो ऐसी नहीं घटी है जिसे जनता को कोई भी परेशानी हो सके। आइए मैं कैमरामैन को इशारा करते हुए दिखाते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? समीर। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम मैजित मंगला, उत्तर पैलानी। कितने समय से यहाँ पे मौजूद हो आप? यहाँ पर है 3 बजे से। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? शकील। शकील, यहाँ पे आप कितने बजे से मौजूद हो? 3 बजे से। अच्छा, अभी तक यहाँ पे कोई घटना वगैरह नहीं हुई? कोई दुर्घटना नहीं हुई है। हम मजदूर ड्यूटी बराबर कर रहे हैं, कोई दुर्घटना नहीं हुई। अच्छा, आगे भी हम इन लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? सत्तार। सत्तार, सत्तार जी, आप ये बताएंगे यहाँ पे सुबह से आप कितने बजे से ड्यूटी कर रहे हैं? 3 बजे से। अच्छा, अभी तक यहाँ पे कोई घटना वगैरह तो नहीं हुई है? कोई नहीं हुई। आगे भी और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद जी, यहाँ पे सुबह से आप मौजूद हो, कितने बजे से हो आप यहाँ पे? 3 बजे से। सुबह 3 बजे से हो आप यहाँ पे, तो अभी तक कोई भी घटना ऐसी तो नहीं घटी है जिससे जनता को परेशानी पहुँचे? नहीं नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं की। अच्छा, और भी भैया हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? समीम। समीम जी, आप बताएंगे यहाँ पे अभी तक सुबह से कोई भी घटना तो नहीं हुई है? नहीं, अभी कोई नहीं हुई। और भी हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब, इनसे भी कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? फिरोज। फिरोज जी, यहाँ पे सुबह से अभी तक कोई भी घटना तो नहीं हुई है? जी जी, नहीं अभी तक। अच्छा, लमसम यहाँ पे कितने लोग सुबह से गंगा नहा चुके होंगे तुम्हारी? यहाँ से बहुत लोग नहा चुके हैं, कम से कम कोई पता नहीं, बहुत ज़्यादा नहा चुके हैं यहाँ पर। वहीं हम हैं गोताखोरों के पास में खड़े हुए हैं, जो सरकार ने ये मेला स्थगित कर दिया था कि मेला नहीं लगेगा, मेला नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो जनता जन सैलाब की तरह उमड़ रही है। मेला काफ़ी दुकानें नहीं हैं, फिर भी प्रसाद की वगैरह की खिलौने की दुकानें लगी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पे गोताखोर भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी सुबह से शाम तक ड्यूटी निभाई है अच्छी तरीके। क्या नाम है आपका? रामजीवन राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो? डाईगांव। यहाँ पे क्या कार्य कर रहे हो? दुकान लगाए हैं। किस चीज़ की? प्रसाद की। अच्छा, बिना अनुमति के यहाँ पे दुकानें नहीं लग रही थी, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? तो पुलिस यहाँ पे दुकानें नहीं लगने दे रही थी, किस तरीके से आपकी यहाँ पे दुकान लगी हुई है? अपनी मर्जी से लगाई है जी। अपनी मर्जी से लगाई है जी।